पीने लायक नहीं, बिल्कुल कड़वा लगता है। मानिकपुर बेल्ट है, ये कोरबा की माइनिंग है, NTPC बालको और CSEB के प्लांट के लिए यहाँ से कोयला जाता है। ये अब पूरी हो चुकी है, ख़त्म हो गई है, और इसमें जो है अब कोयला बचा नहीं है। अब इसे भरने की जिम्मेदारी भी इन्हीं विभागों की होती है, लेकिन भरने में किसकी रुचि है? ये देखिए, ये है राखड़ डैम, यह है राखड़ जो इन पावर प्लांट से निकलती है और इसी से इसे भरना होता है। दसियों सालों से ये काम चल रहा है, लेकिन फ़िलहाल अभी ये काम इस पूरी खदान के 10% हिस्से तक भी नहीं हो पाया है। इसके बारे में हमारे साथी हैं जयंत, जो हमारे पत्रिका के रायगढ़ के प्रमुख हैं, हम उनसे बात करते हैं। जयंत जी, कब से चल रहा है ये? कोरबा की शुरुआती माइंस है जिस समय, और ये कोरबा के विषय में कहा जाए, जनरली ये कॉन्सेप्ट होता है कि माइंस जो हैं शहर से दूर होते हैं। कोरबा के विषय में ये है कि शहर के पास ही ये माइंस है, या माइंस के पास ये शहर है। माइनिंग प्लान के तहत ये आवश्यक होता है कि खदान का काम जब पूरा हो जाए इसे भरना होता है, और आसपास के जो इसमें से OB ओवरबर्डन निकला है उसके थ्रू जो आसपास डंप किए गए हैं, या फिर ये कोयला जिन उद्योगों में इस्तेमाल हुआ है उसका जो फ्लाई ऐश निकला है उसके थ्रू इसको डंप किया जाता है। अभी इसको डंप करने की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन कोयला जिस मात्रा में निकलता है उसका 10-15% भी फ्लाई ऐश नहीं हो पाता है। तो अब ये देखना है कि इसको भरने में कितने फ्लाई ऐश की ज़रूरत और है, क्या इतना फ्लाई ऐश यहाँ एक माइंस में पर्याप्त होगा। अभी कई और माइंस हैं जिसको भरा, फ्लाई ऐश के अलावा और कुछ भी इस्तेमाल इसमें हो सकता है क्या? जो इसको खोदने में जो OB निकला है, ओवरबर्डन जो निकला है उसको संरक्षित करके रखा जाता है, किनारों पर रखा जाता है, जैसा कि आप देख रहे हैं किनारे बड़े बड़े टीले बने हुए हैं, तो उससे इसको भरा जाता है। ये जो ब्लैक जो दिख रहा है जी, ये जो इन्होंने राउंड पट्टी जो बनाते हैं इसको क्या कहलाती है, ये जहाँ से ट्रक नीचे जाते हैं माइंस में? ये अब एंट्री प्लान और एग्जिट प्लान होता है इनका, और इसके थ्रू ये एक एक जो बेल्ट बनता है, ये बेल्ट बनते जाता है, परत दर परत इसकी खुदाई होती है, तो उसके हिसाब से ये लोग उसको खुदाई करते हैं, उसको उसका ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, ऊपर तक लाते हैं, फिर ऊपर से ये अन्य माध्यमों, एक जगह डंप होता है और इसके बाद अन्य माध्यमों जिसमें रेल है, ट्रक है, डंपर है, इनके थ्रू इनको भरा जाता है। ये कोई पर्यटन स्थल नहीं है, ये खदान है। इसमें ये जो पानी दिखाई दे रहा है, ये पानी खोदते खोदते पाताल से ऊपर आ गया है, कुछ बारिश का पानी भी है, और ये ऐसे ही भरा रहेगा। अब इसे भरने की प्रक्रिया चल रही है, न जाने कितना वक्त लगे, कुछ कहा नहीं जा सकता। एक नुकसान और है जैन जी, इसमें एक नुकसान और बता रहे हैं, जानते हैं क्या नुकसान है? नुकसान यह है कि जनरली कहा जाता है कि फ्लाई ऐश आबादी इलाके से दूर रखा जाता है, क्योंकि वो खतरनाक केमिकल्स होते हैं। यहाँ जिस तरह से फ्लाई ऐश को भरा जा रहा है, ये बिल्कुल खुले में है, खुले स्थान पे है, शहर के ठीक बगल में है, इससे हवा जब भी चलेगी फ्लाई ऐश उड़ के आसपास के इलाकों में पड़ेगा, जो लोगों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है।